वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने मैथ का टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका है टाइम एंड वर्क का टॉपिक है। तो टाइम एंड वर्क से बहुत से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा कि आप एक सिंपल क्वेश्चंस पहले डिस्कस किया जाए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए टाइम एंड वर्क में। तो इसीलिए क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसमें लिखा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर एक काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब 12 मिनट में पूरा करते हैं, और B प्लस सी प्लस डी 15 मिनट में इस काम को पूरा करते हैं। तो इसी काम को A कितने दिन में पूरा करेगा? तो आपको पता है, यहाँ पे आप 12 नोट डाउन कर लीजिए और 15। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्ञात करना, मतलब देखना है कि डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। अब 3 से काट सकते हैं, 3 × 15 और 12 × 5 = 60 मिनट, मतलब 60 मिनट को हम एक घंटा भी बोल सकते हैं। तो ये इसका आंसर है कि जो कि आप बहुत कुछ सेकंड में आप निकाल सकते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 मिनट है, मतलब इन्होंने इतना काम किया। ये आपको मैं होमवर्क में देती हूँ ताकि आप इसका कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो ये सब प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।